के लिए लोग करे गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और घायलों का हाल जानेंगे। देखिए अभी तक जो डॉक्टरों ने चीजें स्पष्ट की है उससे ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि जो यहाँ 10 लोग हैं उनकी स्थिति स्थिर है, वो स्वस्थ हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, तमाम लोग मौजूद हैं और जो घायल थे उन पर नजर बनाए हुए थे। यहाँ पे कुल 38 शव आए थे, सभी का पोस्टमार्टम हो गया है। पूरी रात 24 घंटे ये जो मैराथन चल रहा है यहाँ पे मेडिकल एड दिलाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, उसके एवज में यहाँ पे जो लोग हैं, जो बिल्कुल मैं आपसे और जानकारी लूंगी। देखिए तस्वीरें हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनका इंतजार किया जा रहा था और यहाँ पहुंच चुके हैं अस्पताल प्रशासन में, जहाँ सबसे पहले मुख्यमंत्री जा रहे हैं उन घायलों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। सबकी हालत खतरे से बाहर है, अब जो जानकारी मिल रही है डॉक्टर्स बता चुके हैं कि अब इन सबकी हालत, जो 10 लोग यहाँ पर एडमिट कराए गए हैं वो स्थिर है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। उनसे मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही उनके परिजनों के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। ये लीजिए तस्वीरें आपके सामने, अंदर अस्पताल प्रशासन से अब आनी शुरू हो चुकी है। बेहद दुखद हादसा, जैसे ही ये जानकारी मुख्यमंत्री को मिली थी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके संवेदनाएं व्यक्त करी मृतकों के परिजनों की तरफ। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और जो सख्त लहजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है। इस समय दोषियों की ही धरपकड़ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सख्त आदेश दिए हैं उसके लिए दबिश दी जा रही है। कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें जो सत्संगकर्ता थे, उनकी कमेटी के लोग, इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोग, ये सब, इन सब के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिजनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये वो क्षण है, ये वो घड़ी है जहां बात करके ही दुख बांटा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक एक परिजनों के साथ देखिए बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी कह सकते हैं आप, चश्मदीद कह सकते हैं, जो घटनास्थल पर मौजूद थे। कल उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरई गांव में भोले बाबा का जो सत्संग चल रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा देखते ही देखते। समापन के बाद भगदड़ मच गई, 121 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अलग अलग अस्पतालों में इन घायलों को एडमिट कराया गया। ये हाथरस का वो अस्पताल है जहां पर 10 इस समय पेशेंट हैं, 10 घायल इस समय मौजूद हैं, जो इस समय खतरे की जद से बाहर है। हालत उनकी ठीक है, लेकिन उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। दोषियों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की ही जाएगी, लेकिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले, इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोग जो हैं वो इस समय रडार पर आ चुके हैं। ये भोले भाले गांव के लोग, जिनको अपनी बातों में, अपने मायाजाल में फंसा के लोग बड़े बड़े समागम करते हैं, और अंधभक्ति में मौजूद ये लोग, अंधविश्वास से लिप्त ये लोग उन बाबाओं के चरण छूने के लिए ललायित हो जाते हैं। और ऐसा ही कल कुछ हुआ है, जब कारवां निकल रहा था भोले बाबा नामक शख्स का जिसने सत्संग किया, उस कारवां के पीछे भागते हुए आप देखेंगे महिलाओं को, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रखा है। बच्चे, महिलाएं, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है मृतकों में, वहीं भागते हुए आपको वो धूल लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिट्टी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अंधविश्वास से भरी हुई वो मिट्टी, जिससे उनको लगता है उनके घर के कष्ट जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, मुसीबतें कम हो जाएंगी। जाहिर तौर पर ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन दिखाते हुए कल जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची, जानकारी पहुंची, उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह दी है। हालांकि इस पर आपको बता देते हैं कि विपक्ष को, जो आप सुन रहे थे, विपक्ष के नेता हो गए, विपक्ष का सबसे मुख्य चेहरा प्रदेश से आने वाला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो गए, वो सरकार को यहाँ पर दोषी बता रहे हैं। लेकिन मानना ये है दोस्तों कि मानवता तार तार हो जाती है जब आप दोषियों को पकड़ने की बजाय यहाँ पर सरकार को दोषी ठहराते हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाएंगे, जांच बिठा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर घायलों का हालचाल लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, अब ये वो हॉल है जहाँ पर इस समय घायल भर्ती हैं, 10 घायल हैं,
उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। हिमांशु लगातार इस अस्पताल के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, अंदर की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो जैसा आपने बताया, मुख्यमंत्री परिजनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। देखिए, ऐसा ये स्थिति वो है जहां पर आप अपने शब्दों से, आप अपनी बातचीत से ढांढस बांध सकते हैं जो लोग घायल हैं उनके परिजनों से, और वही करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पे जिस चीज की बात हो रही थी, सीएम योगी आदित्यनाथ अब यहाँ हाथरस में पहुंच गए हैं। जो घायल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं सीएम, और इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मीडिया से भी बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे। और इस दौरान जो तमाम लोग यहाँ परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे मेडिकल एड के बारे में जानकारी ली जा रही है, जो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर की टीम से बात की जा रही है, उनके स्वास्थ्य के बारे में, क्या वो खतरे से बाहर हैं, स्थिति स्थिर है, ये तमाम बड़े सवाल थे जो सीएम योगी आदित्यनाथ के जहन में स्वयं थे, और उसी का हाल जानने के लिए वो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, हाथरस के अस्पताल पहुंचे हैं, यहाँ तमाम परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है। इसके अलावा डॉक्टर की टीम है, जिलाधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, सभी लोग मौजूद हैं। और इस दौरान समीक्षा बैठक हो चुकी है, समीक्षा बैठक के दौरान ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इन सबके बीच एक महिला कांस्टेबल भी इस दौरान घायल हुई थी। आपको बता दें, महिला कांस्टेबल शुरुआती तौर में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थी, और उसके बाद जब हालत स्थिर हो गई तो उसे जनरल वार्ड में सभी के साथ शिफ्ट कर दिया गया। कुल 10 लोग हैं जिनमें महिलाओं की संख्या बहुतायत में है, और जिस तरीके से आंकड़ा भी देखा गया मृतकों का, जो 121 है, उसमें भी 100 से ज्यादा महिलाएं हैं, लिहाजा महिलाएं ज्यादा पहुंची थी सुनने के लिए। लेकिन इन सबके बीच ऐसा माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा बहुत अहम है, लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है, लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि सरकार उनके साथ है, सरकार के लोग उनके साथ हैं, खुद मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंच रहे हैं, और मुख्यमंत्री उनके लोगों का हाल जानेंगे, लोग उनसे बातचीत करेंगे, उनको आश्वस्त करेंगे कि जो भी हुआ है उस पे सरकार जो है वो खेद प्रकट करती है और कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, डीजीपी और जब चीफ सेक्रेटरी पहुंचे थे उन्होंने भी बहुत स्पष्ट किया था कि सरकार की मंशा है, कार्रवाई की जाएगी, नजीर के तौर पे की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जाहिर तौर पे मैसेज बहुत क्लियर है, सरकार एक तरफ जो घायल है, जो पीड़ित पक्ष हैं, जो मृतक पक्ष हैं, उनसे सबसे बातचीत कर रही है, उन सबसे कोऑर्डिनेट कर रही है, उन सबको उनके शवों को घर तक पहुंचा रही है। इसके लिए एक एक अफसर डिप्यूट किया गया है जिला प्रशासन स्तर पे, चाहे फिर वो अलीगढ़ का हो, आगरा का हो, फिरोजाबाद का हो, एटा का हो, मैनपुरी का हो, कहीं का भी हो, हाथरस का हो, इन तमाम जिलों के लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया। लगातार यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस को डिप्यूट किया गया। रात में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची थी तो यहाँ जिला अस्पताल में 100 से ज्यादा एम्बुलेंस की सुविधा कर दी गई थी, एम्बुलेंस खड़ी थी, लगातार पोस्टमार्टम हो रहा था। कल पूरी रात पोस्टमार्टम हुआ है, 38 शव पहुंचे थे, 38 शव का पोस्टमार्टम हुआ, और तमाम जो भी जनपद के वो व्यक्ति थे जब शिनाख्त हो गई तो उनको उनके जनपद पहुंचा दिया गया, उनके घर पहुंचा दिया गया, उसके लिए एक अफसर भी लगाया गया था। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं व्यक्त की थी, और उसके बाद अब सरकार मौके पर है, सरकार उनके साथ है, सरकार जो एक्शन है वो भी ले रही है, और साथ ही आम लोगों में जो पीड़ित है उनमें ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि सरकार आपसे दूर नहीं, सरकार आपके बीच है, सीएम खुद पहुंचे हुए हैं यही भरोसा दिलाने के लिए, और इसी भरोसे के बीच अब यहां पहुंचे। ऐसा माना जा रहा है कि इन तमाम लोगों से मिलेंगे, मिलने के बाद यहां से सीएम योगी जब जाएंगे तो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो मंडल आयुक्त है, जो एडीजी रेंज है, इनसे और डीजीपी खुद, चीफ सेक्रेटरी खुद सबसे बैठक की है, सबसे समीक्षा बैठक की है, कहां पे लूपहोल रह गया, कहां समस्या रही, क्या चीज नजरअंदाज की गई, किस अफसर की लापरवाही दिख रही है, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन इन सबके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जिस तरीके से कल ही से मैसेज फ्लोट कर दिया गया था सीएम मौके पर पहुंचेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं इस समय हाथरस के जिला अस्पताल में, तमाम जो घायल लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, मेडिकल टीम से बात कर रहे हैं, जो मेडिकल एड दिया गया उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से देखिए जो घायल है जब सीएम योगी आदित्यनाथ उनके बीच में जाते हैं या जो भी मौजूदा सरकार होती है वो जाती है तो एक भरोसा जीतती है आम आदमी का कि इतनी बड़ी घटना हुई, सीएम उनके साथ है, सरकार उनके साथ। और जिस तरीके से शुरू में ही जब घायलों के लिए 50,000 और मृतकों के लिए 2,00,000, उसके बाद केंद्र सरकार ने भी यही मुआवजे की घोषणा की है, और इस बीच मुआवजा तो एक संवेदना है, लेकिन जाहिर तौर पे जमीनी स्तर पे जब नेता उतरते हैं, जब सीएम उतरते हैं तो लोगों के बीच विश्वास पैदा होता है सरकार के प्रति, और सीएम पहुंचे हुए हैं तो ये चीज कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि सरकार भरोसा दिला रही है कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच जो पीड़ित पक्ष है यानी जो घायल पक्ष है उनके बीच सीएम है, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए। जी हिमांशु, वाकई में पूर्व में भी हमने देखा है
देखिए ये इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं ये पहले से बताकर तो नहीं होते हैं, तो ऐसे में इस तरह के मामलों पर राजनीति करना वाकई में शर्मनाक है। अब विपक्ष क्या बात बोल रहा है उससे हटके हम चीजें होती हुई देखते हैं। पूर्व में भी हमने देखा है अगर ऐसे हादसे होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं, घायलों से मिलने के लिए जाते हैं, और उसके बाद जो उनका एक्शन देखा जाता है वो वाकई में कागजी नहीं होता है, वो धरातल होता हुआ देखा जाता है। कागजी दावे वादे मुख्यमंत्री के नहीं देखे गए हैं सीधे तौर पर, ये बात तो विपक्ष भी मानता है कि सख्ती मुख्यमंत्री की तरफ से हमेशा देखी गई है, दोषियों को नहीं बख्शा गया है, और ऐसा ही वादा यहां पर भी मुख्यमंत्री कर चुके हैं। फिलहाल ये मुआवजे का जो ऐलान किया गया, आप सही कह रहे हैं कि वो एक संवेदना के तौर पर लिया जाता है, लेकिन हकीकत में जब प्रदेश का मुखिया लोगों के बीच में मौजूद रहता है, घायलों के बीच में मौजूद रहता है, तो एक अलग से ढांढस बंधती है, एक अलग से ही आपको ऊर्जा मिलती है कि आपके प्रदेश के मुखिया आपके साथ हैं। बहुत ही कम ऐसी स्थिति में हम देख पाते हैं जहां पर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है यहां घायलों के बीच में एक एक से जाकर मुखातिब होता है, एक एक से जाकर उनका हालचाल लेता है। अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही कि अभी हाथरस अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं, और बाकी के जिन अस्पतालों में घायल मौजूद हैं वहां पर भी जाएंगे वो और उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। जो घायल हैं 40 के करीब घायल बताए जा रहे हैं अब भी जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, खतरे की जद से बाहर हैं, अब सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जो अपने काम को पूरा करते हुए, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जन जन के बीच में जा रहे हैं और देखिए एक एक व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं। ये महिला, बूढ़ी महिला जो है जो इस समय दर्द में है और इस बड़े हादसे का शिकार हुई है, इसके पास जहां जहां हाथ में चोटें लगी हैं आप देख सकते हैं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री उनसे बात कर रहे हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है तो उनके परिजनों के साथ बात कर रहे हैं, और जो साथ में डॉक्टर्स की टीम चल रही है वो बाकायदा उस पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखा रहा है और हर एक पेशेंट के बारे में विस्तार से जानकारी मुख्यमंत्री को दे रहा है। तो आप कह सकते हैं सीधे तौर पर ये बहुत ही जरूरी और एक महत्वपूर्ण कदम प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से हो जाता है जिसका निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय देखे जा रहे हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, और अस्पतालों में जहां पर इस समय घायल मौजूद हैं उन तक भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? क्या उन सबसे मुलाकात करने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? बिल्कुल, देखिए आपको बताते हैं सबसे पहले कि ये घटना क्योंकि सिकंदरा राव में हुई थी और यहाँ पे सिकंदरा राव के पास ही पुलिस लाइन है, सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पहुंचे थे। फिलहाल जो कार्यक्रम अभी तक मीडिया से साझा किया गया उसके मुताबिक सिकंदरा राव में समीक्षा बैठक कर ली गई है, तमाम पुलिस अफसर, वरिष्ठ अफसर सब यहीं मौजूद थे, फॉरेंसिक की टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आसपास के एडीजी रेंज, आईजी रेंज, कमिश्नर, एसएसपी, डीएम और मंडल आयुक्त, ये तमाम अफसर यहां मौजूद थे। और क्योंकि घटना यहीं हुई थी और सबसे पहले जो सिकंदरा राव है वहां पे बॉडीज पहुंची थी जो 100 से ज्यादा पहुंची थी, उसके बाद तमाम लोगों की 72 लोगों की, तो देर शाम जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी जब पहुंचे थे रात में 8-9 बजे के आसपास, तो उन्होंने कहा था 72 लोगों की शिनाख्त कर दी गई। शिनाख्त करते ही सबसे पहले तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया, पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम कराने के बाद उनको जो है पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवारों को सुपुर्द कर दिया गया। तो ये तो एक क्रम हो गया, लेकिन जिस तरीके से आपने सवाल किया था कि सीएम जाएंगे तो अभी इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं, लेकिन सीएम जिस तरीके से यहां लोगों से मिल रहे हैं तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से परिवार का मुखिया होता है, जब परिवार का मुखिया के रूप में कोई जाता है किसी का हालचाल जानने के लिए तो उसे एक ढांढस बंधता है, उसमें पॉजिटिविटी आती है। उसी तरीके से प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो पहुंचे हैं पीड़ित के बीच में, जो घायल हैं उनके बीच में, उसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तमाम लोग हैं, बूढ़े हैं, लिहाजा उनके बीच पहुंचे, उनका हालचाल जानने पहुंचे हैं, उनके उनकी जो सुविधा उनको मिल रही है उससे वो संतुष्ट हैं कि नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं, सीएमओ की टीम है, जो मेडिकल टीम डिप्यूट की गई, जो एसीएमओज हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो ओपीडी में लगातार डॉक्टर्स रहते हैं, जो भी टीमें बनाई गई हैं उनसे सबसे ब्रीफ ले रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं कि जो लोग यहां पर हैं वो स्थिर हैं, वो स्वस्थ हैं, उनके इलाज में कोई कमी कोई खामी ना रह जाए, और एक ढांढस पहुंचाने के लिए प्रदेश का मुखिया उनके बीच पहुंचा है, और ये विश्वास दिलाने के लिए कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है लेकिन कार्रवाई जो है उसके रूप में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर के रूप में जब भी पूर्व में हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर पे कभी भी कोई समझौता नहीं किया गया है और लगातार कार्रवाई देखी गई है, फिर चाहे किसी भी क्रम में आप देख ले, अतीक पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, उसके बाद और भी तमाम ऐसे भूमाफिया गैंगस्टर रहे हैं जिन पर कार्रवाई की गई है, उनको निस्तेनाबूद किया गया है, जिसने भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की कोशिश की है। देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में और
मेरे जर्नलिज्म करियर में इतना बड़ा स्टैम्पेड यानी भगदड़ मच कर 121 लोगों की मौत हो जाना, ये मुझे ध्यान नहीं आता, लेकिन इस तरीके का स्टैम्पेड उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपने आप में बहुत बड़ा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीरता से इसे लिया है और वो गंभीरता देखने को भी मिल रही है। समीक्षा बैठक भी की जा रही है, लगातार अधिकारी अफसरों से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब यह घटना हुई उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद डीजीपी, दो मंत्री तुरंत भेजे मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए, लगातार उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लगातार कोऑर्डिनेट करने के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। देखिए एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर में यह स्पष्ट हो गई है कि 80,000 लोगों की अनुमति थी, 2.5 लाख लोग पहुंच गए या उससे ज्यादा पहुंच गए, लिहाजा जो भीड़ है वो कैसे तेज पहुंच, वो कैसे इतनी बढ़ गई, क्या एलआईयू की इंटेलिजेंस नहीं थी, इन तमाम सवालों को लेकर सीएम के मन में भी कई सवाल थे और उसी को क्लियर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे अफसरों से जानने के लिए कि अगर लूपहोल है तो किसके स्तर पे है, क्या लोकल स्तर पे, पुलिस स्तर पे, या ये जानकारी नहीं लग पाई, या आयोजकों के स्तर पे है, आयोजकों ने ये जानकारी नहीं दी, क्योंकि आयोजकों ने जो परमिशन ली थी वो 80,000 के आसपास की ली थी, लेकिन भीड़ जो है वो प्रत्येक जर्सी बताते हैं कि करीब 3 से 4 लाख थी, लेकिन पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है 2.5 लाख से ज्यादा थी, यानी 3 गुना थी। तो ये जो कमी, जो खामी, जो लूपहोल है, ये कहां रह गया, किस स्तर पर रह गया, इसकी जानकारी ली उसकी समीक्षा बैठक में। और अब ऐसा माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी इस समय हाथरस में है, जिला अस्पताल में है, जहां पे न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है, वहीं पर समीक्षा बैठक के बाद जब यहां मुलाकात कर लेंगे, मुलाकात करने के बाद एक बड़ी कार्रवाई नजीर के रूप में देखी जाएगी। और बाबा पर देखिए इशारों में डीजीपी साहब ने भी और चीफ सेक्रेटरी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और खासतौर पर जो ये बाबा है, बाबा भोले बाबा, सूरजपाल, ये तमाम नाम है इस बाबा के, नारायण हरि, ये तमाम नाम है, इन नामों से इसको पुकारा जाता है। और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो इनके सेवाकार हैं वो इनको बाबा कहने से मना करते हैं, अनुयायी को उनको मालिक कहते हैं, भगवान कहते हैं, और यही चीज इतनी भारी पड़ गई एक आम आदमी पे भी। कल 121 लोग स्टैम्पेड में मर गए बाबा की चंडों की धूल लेने के लिए, बाबा के ऊपर जो फूल बरसाए जा रहे थे वो लेने के लिए, बाबा के चरण छूने के लिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, इसका अंदाजा नहीं था, ना तो ये जिला प्रशासन को अंदाजा होगा, ना SSP को होगा, ना यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को होगा, क्योंकि भीड़ एकाएक बढ़ी। और मैनेजमेंट के नाम पे देखिए जिस तरीके से अमित गंजू बहुत स्पष्ट कर रहे थे, बहुत ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है और सुबह से आपको घटनास्थल की जानकारी दे रहे हैं, घटना पे मौजूद है, वहां पे जो एंट्री की गई थी, क्योंकि रात देर रात हम लोग भी पहुंचे थे, जो एंट्री थी उसी एंट्री से भीड़ बैक हो गई, यानी वहीं से एग्जिट कर गई, और इतनी भीड़ थी, सड़क जाम हो गई, लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे, और बाबा का जो काफिला था उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया गया था, वो उस रास्ते से निकले, फर्राटा भरते हुए निकले, लेकिन उस फर्राटे भरने के दौरान जो भक्तगण थे, जो श्रद्धालु थे, जो उनके दर्शन करने पहुंचे थे, वो इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाए कि उनकी आखिरी सत्संग होगा, ये उनका आखिरी कथा होगा, क्योंकि इसमें घायल भी बहुत हुए हैं, लेकिन घायलों को उपचार बेहतर दिया जाए इसको सुनिश्चित किया गया, आसपास के जनपदों से कोऑर्डिनेट किया गया, एम्बुलेंस बुलाई गई, डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई, सीएमओ से कोऑर्डिनेट किया गया, जो दवाएं हैं, जो मेडिकल एड है वो जल्द से जल्द मिल सके इसको पुख्ता किया गया, तो इंतजाम किए गए, लेकिन आकलन कोई नहीं कर पाया कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, और ये संभवतः यूपी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्टैम्पेड होगा, यानी सबसे बड़ा हादसा जो भगदड़ से हुआ। जी बिल्कुल, तो देश का सबसे बड़ा सूबा, और देखिए उस सूबे की सबसे ज्यादा जनता, अब उस जनता को संभालना, हर किसी की समस्या का समाधान देना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इसी चुनौती से हमेशा निपटते हुए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखते हैं। इससे पहले भी पूर्व में हमने जो हादसे होते हुए देखे हैं उनका सख्त एक्शन, जो कि ना सिर्फ पेपर पे बल्कि जमीन पर होता हुआ भी देखा है। अब देखना यह जरूरी हो जाएगा जो मुख्य आरोपी आप कहिए या फिर हत्यारोपी आप कहिए जो इस पूरे घटनाक्रम में है, उनकी धरपकड़ कब तक हो जाती है, जिसके लिए लगातार पुलिस की टीम दबिश बनाई हुई है। लेकिन ये बड़ा हादसा जिससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। देखिए एग्जिट एंट्री पॉइंट नहीं बनाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इमरजेंसी रास्ता क्यों नहीं बनाया गया, ये दूसरा बड़ा सवाल है। मौके पर मेडिकल टीम की व्यवस्था नहीं थी, कम से कम 5 एम्बुलेंस मौके पर होनी चाहिए थी जो नहीं थी। भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखे की व्यवस्था भी नहीं थी। पर्याप्त वॉलंटियर्स क्यों नहीं थे, लाखों की संख्या में जहां लोग आए हैं उनको संभालने के लिए वॉलंटियर्स भी पर्याप्त नहीं थे। प्रशासन की तरफ से फोर्स क्यों कम लगाई गई थी, खाने पीने की उचित व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी, जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा वहां से कोई बैरिगेटिंग क्यों नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। आयोजकों की ओर से जो परमिशन ली गई उसमें सभी बातों का जिक्र क्यों नहीं किया गया था। 50,000 से ऊपर लोगों के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन जो FIR दर्ज हुई है उसमें 2.5 लाख से ऊपर लोगों के आने की जानकारी है, मतलब 3 गुना ज्यादा लोग पहुंचे थे इस
घटनास्थल पर जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है, इस आयोजन में कम से कम 10 एकड़ जगह को बराबर करना था। अमित गंजू जो हमें रिपोर्ट दिखा रहे थे वहां से और जो तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर पानी भरा हुआ है, जहां गड्ढे हो रखे हैं और देखिए कल भी बारिश हुई थी, ऐसे में उस जगह को समतल क्यों नहीं किया गया था, यह भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते बनने थे जो कि नहीं बनाए गए। इमरजेंसी गेट तो नहीं ही था, देखिए एग्जिट एंट्री पॉइंट भी नहीं बनाया गया था। ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब अब तलाशने के लिए टीम जो है वो बना दी गई है और ये टीम पूरे एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री आज यहां पर मरीजों के साथ मुलाकात करने के बाद, उनके परिजनों के साथ चर्चा करने के बाद, अधिकारियों से जानकारी जुटाने के बाद अब सीधे तौर पर आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन मोड में आ चुके हैं और जो एक्शन अब लिया जाएगा दोषियों को तो कतई नहीं बख्शा जाएगा। आपको बता देते हैं कि देखिए अब यहां कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा अभी शुरू होने में समय है लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है और प्रशासन की जो पुलिस है वो एक्शन मोड में आ गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो ऐसे तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ है, जो जिस हादसे में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और जहां पर नियमों को कायदों को ताक पर रख के आयोजन किया गया है, कितना सख्त एक्शन मुख्यमंत्री यहां लेंगे ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आपके सामने तस्वीरें अस्पताल प्रशासन की है, हाथरस अस्पताल से हमारे साथ हिमांशु भी लगातार बने हुए हैं। हिमांशु देखिए अभी चारधाम यात्रा तो चल रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना है आस्था के लिहाज से कांवड़ यात्रा, उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर एक कमेटी बना दी है जो सख्त निगरानी रखेगी। आप कहिए कि अभी कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई है, उसके लिए प्रशासन योगी सरकार सख्त है, तो ऐसे तौर पर यह समझा जा सकता है कि ये जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है इनके दोषियों को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, जिसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्योंकि अस्पताल से बाहर निकलने के बाद हम सीधे तौर पर जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक लेंगे और अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देंगे। हिमांशु बिल्कुल देखिए, सबसे पहले आपको कंचन अपडेट देते, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना हो चुके हैं। तमाम जो जो पीड़ित थे यानी जो घायल थे उन तमाम लोगों से मिलकर उनका हालचाल जानकर स्वास्थ्य का जानकारी ली और उसके बाद यहां से रवाना हो गए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहां से सिकंदरा राव यानी जहां घटना स्थल है वहां पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद जो माना